हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हम जा रहे हैं स्प्लेंडर प्लस का जो 2021 मॉडल है उसका रिव्यू करने। ये देख सकते हैं 3825 किलोमीटर चल चुका है ये बाइक। ये बालक लोगों को देखिए, ये देखिए साइड से बहुत खूबसूरत कलर, ये मुझे लगता है ये स्प्लेंडर का। ये अलॉय व्हील में आ रहा है, ये आपको सेल्फ दिया हुआ है। ये i3S है ये, और ये FI इंजन में आ गया है। पहले जैसे आपको कार्बोरेटर में आता था, अब ये FI इंजन कर दिया है। FI इंजन का ये होता है आपको फ़ायदा कि इंजन का लास्टिंग अच्छा होता है, ठीक। और उसके बाद से आप इसमें देख सकते हैं ये FI लिखा हुआ है, ये देखिए। और i3S में आने लगा है ये, और ये आपको अलॉय व्हील में आ रहा है। ग्रिपिंग इस बाइक का बहुत ही अच्छा है, आपको मतलब और बाइक से अपेक्षा देखा जाए तो। 80/100 का इसका टायर है, देख सकते हैं। और ये पीछे का भी आपको 80/100 का ही पीछे का भी ग्रिप है टायर इसका, ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका आपको बिल्ड क्वालिटी हीरो का तो सबसे अच्छा मुझे लगता है, मतलब TVS के अपेक्षा देखा जाए या होंडा के अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात है एवरेज बहुत अच्छा देता है ये बाइक, ये देखिए बहुत क्लास कलर है ये हीरो का। इसमें भी आपको 3.5 लीटर रिजर्व वाला आ गया है। अगर आपका गाड़ी अगर 3.5 से कम फ्यूल रहेगा इसमें तो ये एयर ले लेगा। इससे क्या होता है कि FI से कि आपको मतलब इंजन लास्टिंग अच्छा कर रहा है। ये देखिए ये न्यूट्रल हो गया। गियर इसमें आपको गियर का शो नहीं करता है, ये फ्यूल का हो गया। और ये आपको i3S का ये लोगो है, ये देखिए। अगर ये लोगो अगर बंद हो जाए तो इट मीन्स आपका बाइक सर्विसिंग के लिए मतलब समय बता रहा है, सर्विसिंग का समय हो चुका है। और ये लड़का ऑनर है बाइक का, ये देखिए शर्मा रहा है। बाइक स्टार्ट करना, आवाज़ देखिए कितना मीठा आवाज़ है। लेकिन इसमें साइलेंसर में ये प्रॉब्लम है थोड़ा, पैर वेर जलने का बहुत ज़्यादा जल जाता है इसमें आपको, ये वाले साइलेंसर में। ये आपको गार्ड दिया हुआ है, बाकी सब ये जो है इसमें आपको पैर अगर पड़ जाएगा गलती से तो जलने का संभावना होता है। चलिए, बहुत सही बाइक है।